आज मैं आपके लिए एक बेबी कैप लेकर आई हूँ। ये कैप जो है मैंने 2 या 3 साल के लिए बेबी के लिए बनाई हुई है। ये कैप बनाने में बहुत आसान है और आप इसे आसानी से सीख सकते हैं। ये नीचे मैंने पहले बॉर्डर बनाया, फिर मैंने ऊपर सीधी उल्टी लाइनें बनाई हुई हैं, फिर ऊपर से फिर मैंने बॉर्डर जो है बनाया हुआ, और फिर मैंने इसमें डोरी लगाई हुई है, और फिर इसमें मैंने डोरी में पोम पोम भी लगाई हुई है। ये मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि कैसे ये कैप जो आपने बनानी है। ये मैंने ये कैप का बॉर्डर बना के रखा हुआ है। इसमें मैंने 19 फंदे लगाए हुए हैं। इसमें मैंने क्या किया है कि 2 फंदे मैंने पहले सीधे और 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, ऐसा करके मैंने ये बॉर्डर जो है बना के रखा हुआ है, जिसके मैं आपको एक लाइन जो बना के, ये पहला फंदा मैंने ऐसे ले लिया, दूसरा फंदा भी हमने ऐसे सीधा बनाया, 2 फंदे हमने सीधे बना लिए, फिर धागे ऊपर 2 फंदे हमने ऐसे उल्टे बनाए, इसे धागा नीचे, फिर से आगे के 2 फंदे सीधे बनाए, इसे धागा ऊपर, इसे 2 फंदे जो हमने उल्टे बनाए, इसे धागा नीचे, फिर से 2 फंदे हमने सीधे बनाए, इसे धागा ऊपर, फिर से 2 फंदे हमने उल्टे बनाए। ये सारी रो हमने ऐसे ही कंप्लीट करते जाना है। ये हमारी अब लाइन जो है ख़त्म होने वाली है। ये मैंने आपको सीधे की तरफ जो रो बना के दिखाई, अब उल्टे की तरफ हमने क्या करना है, जैसे हमने सीधे की तरफ पहले फंदे हमने 2 फंदे सीधे बनाए, फिर 2 उल्टे, फिर 2 सीधे, 2 उल्टे, तो हमने ये हमारे पहले 2 सीधे आए हैं, तो हमारे इस तरफ जो है ये हमारे उल्टे आएंगे, 2 फंदे सीधे उल्टे, फिर 2 सीधे, फिर 2 उल्टे, 2 सीधे, यानी कि इस तरफ जो हमारे उल्टे हैं वो इस तरफ हमारे सीधे आएंगे, और जो इस तरफ हमारे सीधे हैं वो इस तरफ हमारे उल्टे फंदे आएंगे। तो वैसे ही हमने ये बॉर्डर बनाया है। अब इसके बाद जो है ये बॉर्डर मैंने करीब 3 अंगुलियों के हिसाब से बनाया हुआ है, या फिर आप 1-2 इंच चौड़ा बॉर्डर बना सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। अब हमने उल्टी साइड क्या करना है कि हमने डिजाइन डालना है, ये हमारा डिजाइन जो उल्टी साइड से सीधे की तरफ आएगा, तो हमने ये दूसरे कलर का धागा जो लगाया हुआ है, हमने ये पहला फंदा जो है ऐसे बना लिया, दूसरा फंदा जो है ये हमारे पहले 2 फंदे जो उल्टे थे, तो हमने ये 2 फंदे उल्टे बनाए, दूसरा फंदा भी उल्टा बनाया। फिर इसके बाद क्या करना है, हमने या आगे के हमारे 2 फंदे सीधे हैं, तो हमने ये धागा जो है ऐसे नीचे की तरफ किया, और ये हमारा सीधे की तरफ जो है डिजाइन आएगा, तो हमने क्या करना है ये दोनों सिलाइयों के ऊपर ऐसे 9 बार हमने धागा लपेटना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और ये 10वीं बार जो हमने एक ही सिलाई में से ऐसे बना के ये धागा जो है ऐसे निकाल लेना है। धागा निकालने के बाद फिर हमने ये जो है ये लपेटा हुआ धागा जो हमारा, हमने इसको ऐसे खोल देना है, उसको खोलने के बाद हमने इसको ऐसे धीरे धीरे से ऐसे खींच लेना है, इसको ऐसे धीरे धीरे खींच लिया, फिर
आगे का फंदा भी हमने ऐसे सीधा बना लिया। ये आगे का फंदा मैंने ऐसे सीधा बनाया, फिर धागा फिर से हमने ऊपर किया और फिर आगे के दो फंदे हमने से उल्टे बनाए, एक दो, दो फंदे उल्टे बनाने के बाद फिर से हमने धागा जो है नीचे की तरफ किया और फिर आगे का फंदा फिर हमने वैसे ही डिजाइन डालना है। इन दोनों सिलाइयों के ऊपर 9 बार हमने धागा लपेटना है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 10वीं बार हमने ऐसे इस सिलाई में से हमने इसको ऐसे फंदे को बना लेना है। फिर बनाने के बाद जो हमारा ये लपेटा हुआ धागा जो हमने ऐसे खींच देना पीछे की तरफ, और फिर खींचने के बाद जो हमारा ये धागा चलाया हुआ धागा जो हमने इसको ऐसे धीरे धीरे ऐसे खींच लेना है और फिर आगे का फंदा भी हमने ऐसे नीचे की तरफ ही बना लेना है। फिर से धागा ऊपर किया और फिर हमने दो फंदे जो हैं ऐसे उल्टे बनाए। ये हम उल्टी साइड से डिजाइन डाल रहे हैं पर हमारा डिजाइन जो है ये सीधे की तरफ आ रहा है। फिर से हमारे दो फंदे जो उल्टे हो गए और धागा नीचे किया, फिर से हम सीधे की तरफ जो है अपना डिजाइन डालेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10वीं बार जो हम इसको बना लेंगे। बनाने के बाद फिर हम इसको ऐसे खींच लेंगे खींचने के बाद फिर से हम इसको धागे को ऐसे खींचेंगे और फिर इसको आगे फंदे के साथ अगले फंदे के साथ बना लेंगे। इसे धागा ऊपर और फिर से दो फंदे हमने ऐसे उल्टे बनाए, इससे धागा नीचे। इस सारे रो में आपको ऐसे कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमारा डिजाइन जो ऐसे दिख रहा है, ये मैं आपको आगे तक से ये हमारा दो सिलाइयों में हम बार धागा लपेटेंगे, 10वीं बार हम इसको ऐसे बना लेंगे। फिर से ये धागा हम ऐसे खींचेंगे, धीरे धीरे ऐसे खींच लेंगे इसको और फिर आगे का फंदा फिर ऐसे बना लेंगे। जैसे हमने लास्ट में दो फंदे हमने उल्टे बनाए थे, ये पहले उल्टे बनाए थे दो फंदे, फिर हमारा जो है आगे डिजाइन पड़ा था, वैसे लास्ट में हमारा ये डिजाइन पड़ गया और लास्ट के फंदे दो हमने इसे उल्टे बना लिए। अब हमने सीधे की तरफ क्या करना है, ये हमारी डिजाइन की हमारी एक ही लाइन हमने बनाई और फिर ये जो हमने धागा काट दिया है, फिर से हम ये सीधे की तरफ से स्टार्ट करेंगे। और फिर एक लाइन हमने ये सारी सीधी सीधी बनानी है। इसमें कुछ नहीं करना है, ये रो हमने सारी सीधी सीधी कंप्लीट करनी है। ये मैं आपको आगे तक कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमारी जो अब सीधी रो जो कंप्लीट हो गई और ये हमारा डिजाइन जो ऐसा उभरता हुआ दिखाई दे रहा है, ये इस डिजाइन की वीडियो मैंने पहले भी आपको बताई हुई है, ये फिर से मैंने आपको बता दी है। अब इस डिजाइन के बाद मैंने एक सीधी रो बनाई और फिर हमने उल्टी तरफ क्या करना है, हमने उल्टी रो जो है वो भी सारी हमने उल्टी ही बनानी है। इस सारी अपनी तरफ उल्टी उल्टी ही बनानी है।
ये सारी रो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये हमारी अब उल्टी रो भी कंप्लीट हो गई। अब फिर से हम सीधी में आते हैं, तो हम फिर से एक सीधी रो बनाएंगे और फिर से एक उल्टी रो, यानी कि हमारी कितनी रो होगी। इस डिजाइन के बाद हमने पहले एक सीधी बनाई, फिर उल्टी, फिर सीधी और फिर उल्टी, दो रो हमारी कंप्लीट हो गई। और दो रो हम फिर से बनाएंगे, एक सीधी और एक उल्टी, दो सीधी और दो उल्टी आएंगे। ये मैं आपको सीधी और उल्टी रो जो आपको बना के दिखाती हूँ। ये दोनों रो मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। अब इस डिजाइन के बाद हमने एक सीधी और एक उल्टी और फिर से सीधी और एक उल्टी, यानी कि दो सीधी और दो उल्टी लाइन को कंप्लीट कर दी है। अब हमने क्या करना है कि आगे हमने सीधी की तरफ हम आ गए हैं और फिर हम ये लाइन जो हम ऊपर की तरफ बनाएंगे, इसको हम उल्टी बनाएंगे अपनी तरफ। यह है सीधी की तरफ, मगर हम इसको अपनी तरफ उल्टी उल्टी लाइन बनाएंगे। ये चार लाइन कंप्लीट करने के बाद हमने फिफ्थ रो जो हमने ऐसे बनानी है अपनी तरफ उल्टी उल्टी। ये सारी रो मैं आपको आगे तक कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमारे सीधी की तरफ हमारी उल्टी रो जो हमने कंप्लीट कर ली। अब हम उल्टी की तरफ क्या करेंगे, उल्टी की तरफ हम ये रो जो है अब नीचे की तरफ बनाएंगे, ये सीधी सीधी रो बनाएंगे। ये सारी रो हमने आगे तक ऐसे कंप्लीट करनी है नीचे की तरफ। ये मैं आपको आगे तक बना के दिखाते हैं। ये हमारी अब उल्टी की तरफ सीधी सीधी रो जो है कंप्लीट हो गई। अब हम फिर से सीधे की तरफ आते हैं। सीधे की तरफ फिर से हमने ये उल्टी रो कंप्लीट करनी है। मैं आपको बना के दिखाती हूँ। ये एक सीधे की तरफ ये उल्टी और उल्टी की तरफ फिर से हमने एक सीधी रो कंप्लीट करनी है। ये दो लाइन मैं आपको बना के दिखाती हूँ। यह फिर से हमारी उल्टी की तरफ सीधी सीधी रो जो कंप्लीट हो गई। अब ये हमारी आठ लाइन जो कंप्लीट हो गई, फोर लाइन ये हमारी सीधी उल्टी और फिर फोर लाइन हमारी उल्टी सीधी और ये हमारी एट लाइन जो है कंप्लीट हो गई। अब हमारा ऊपर तक यही डिजाइन जो है चलता जाएगा। ये फोर लाइन जो है ये और फोर ये हमारी एट लाइन ये जो ऊपर तक चलती जाएंगी। आपने जितना बड़ा कैप जो बनाना है उतने उसी हिसाब से आप ये डिजाइन ऊपर डालते जाएंगे। ये मैंने अब डिजाइन जो है ऊपर तक बना के तैयार कर दिया है। ये मैंने ये आठ लाइन जो है मैंने ये फोर सीधी और फोर उल्टी उल्टी ये मैंने आठ बार कंप्लीट कर लिया है। ये ए एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः और ये सात, ये मैंने सात बार जो ऊपर तक डिजाइन जो कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद क्या करना हमने, ये फिर से ये नीचे वाला बॉर्डर जो बनाया हुआ मैंने दो सीधे दो उल्टे दो सीधे दो उल्टे, ये फिर से मैं ऊपर आपको बनाऊंगी। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने दो फंदे हमने ऐसे सीधे लेने हैं। पहला फंदा मैंने ऐसे ले लिया, धागा नीचे किया और ये फंदा सीधा बनाया, इससे धागा ऊपर किया। अब फिर से दो फंदे हमने उल्टे बनाए, इससे धागा नीचे किया और फिर से हमने दो फंदे जो हैं सीधे बनाए, धागा ऊपर किया
दो फंदे उल्टे बनाए, धागा नीचे किया, दो फंदे सीधे बनाए। ये सारी लाइन जो हमने ऐसे कंप्लीट करनी है, दो सीधे और दो उल्टे। ये हमारी अब लाइन जो कंप्लीट होने वाली है, लास्ट में दो फंदे उल्टे और फिर दो फंदे सीधे। जैसे हमारे स्टार्ट में दो फंदे सीधे आए थे तो लास्ट में हमारे दो फंदे सीधे आ गए। अब हमने उल्टी साइड में क्या करना है कि शुरू में हमारे ये लास्ट में दो फंदे इस तरफ सीधे आए थे तो इस तरफ हमारे ये उल्टे फंदे आएंगे। तो हमने क्या करना, पहले दो फंदे उल्टे ले लिए, धागा नीचे किया, दो फंदे सीधे, धागा ऊपर किया, दो फंदे उल्टे, धागा फिर से नीचे किया, दो फंदे सीधे। ये सारी लाइन हमने ऐसे कंप्लीट करनी है, दो सीधे दो उल्टे, दो सीधे दो उल्टे। ये हमारे जो इस तरफ हमारे सीधे फंदे आए हैं वो इस तरफ हमारे उल्टे आएंगे, और जो इस तरफ हमारे उल्टे आए हैं वो इस तरफ हमारे सीधे आएंगे। ऐसे ही हमने ये बॉर्डर जो है कंप्लीट करना ऊपर तक। जैसे ये हमने इतना थोड़ा बॉर्डर जो बनाया हुआ, इसमें मैंने 14 लाइन बॉर्डर की बनाई, 7 सीधे की तरफ और 7 उल्टे की तरफ। तो हमने भी यहाँ ऊपर ऐसे ही 14 लाइन जो है कंप्लीट कर देनी है, 7 सीधे की तरफ और 7 उल्टे की तरफ। ये बॉर्डर मैं आपको कंप्लीट करके बताती हूँ। ये हमारा अब ऊपर भी 7 लाइन का इस तरफ और 7 लाइन इस तरफ बन के जो बॉर्डर हमारा तैयार हो गया। अब इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने ये पहला फंदा ऐसे ले लिया और दूसरा फंदा हमने फिर से ऐसे ही उल्टा बनाया, दो उल्टे फंदे बनाए, फिर धागा नीचे किया और फिर आगे के दो फंदे सीधे बनाए, फिर से धागा ऊपर किया और फिर से आगे के दो फंदे ऐसे उल्टे बनाए। फिर हमने जो है अब आगे जाली डालनी है, जहाँ हमने डोरी डालनी है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, ये धागा जो है ऊपर ही रहने देना है और ये दो सीधे फंदे जो है हमने उन दो का एक बना देना है, दो फंदों का एक बना दिया और पीछे हमारी जाली बन के तैयार हो गई है, जिससे हमारा फंदा भी बढ़ गया, फिर से दो फंदे हो गए और फिर से हमारा धागा ऊपर आएगा। ये हमने 6 फंदे बनाने के बाद जाली डाली है, फिर से हमने एक फंदा दो फंदे उल्टे बनाए, धागा नीचे किया और फिर से दो फंदे सीधे, ये 4 फंदे हो गए, फिर से धागा ऊपर किया, आगे की दो फंदे फिर से उल्टे, ये 6 फंदे हो गए, हमारा धागा जो ऊपर ही रहेगा और फिर आगे के दो फंदे जो हमने फिर से दो का एक बना लिया। ये फिर से हमारे दो फंदे हो गए, ये हमारी जाली आ गई, फिर से धागा ऊपर किया, फिर से आगे दो फंदे उल्टे बनाए, धागा नीचे किया, फिर आगे के दो फंदे सीधे बनाए, फिर धागा ऊपर किया, फिर से आगे के दो फंदे हमने उल्टे बनाए। इस सारी लाइन में आपको आगे तक कंप्लीट करके बताती हूँ। 6 फंदों के बाद आपने जो है जाली जो है डालते जाना है। ये हमारी जो लाइन अब ख़त्म होने वाली है, ये फिर से हमने धागा ऊपर किया, दो फंदे फिर से हमने उल्टे बनाए, धागा ऊपर ही रहने देना और फिर से हमने ये हमारा दो का एक बन जाएगा, फिर से दो का एक और धागा ऊपर किया और फिर लास्ट के दो फंदे जो हमने ऐसे उल्टे बना लिए। अब हमने उल्टी साइड क्या करना है, दूसरी लाइन में कैसे बनानी है कि ये फंदे जो हमारे दो सीधे आए हैं ये हमने सीधे बना लिए और फिर धागा ऊपर किया और फिर ये हमारा उल्टा फंदा था, ये हमारा उल्टा फंदा है तो हम इसको उल्टा बनाएंगे। और फिर हमने जहाँ जाली डाली है ये भी हमने ऐसे उल्टा फंदा बना लेना है, धागा जो नीचे किया, आगे के दो फंदे सीधे बनाए, धागा ऊपर किया, फिर आगे के दो फंदे हमारे उल्टे बनाए, फिर से धागा नीचे किया, फिर से
धागे के दो फंदे सीधे बनाए, धागा ऊपर किया और फिर से ये उल्टा फंदा और जाली वाला भी हमने ऐसे उल्टा फंदा बना लिया बना लिया। जब हमारे दो फंदे उल्टे आ गए फिर से दो फंदे सीधे बनाए। ये सारी लाइन जो हमने ऐसे कंप्लीट करनी है। ये हमारी अब जो लाइन जो है ख़त्म होने वाली है। ये हमने उल्टा फंदा बनाया तो ये जाली वाला भी उल्टा ही बनाया, इसे धागा नीचे किया फिर आगे के दो फंदे हमने सीधे बनाए, धागा फिर से ऊपर, आगे के दो फंदे फिर से उल्टे बनाए, धागा नीचे और फिर लास्ट के दो फंदे हमने सीधे बनाए। ये हमारी उल्टी साइड भी लाइन जो है ख़त्म हो गई। ये हमारे गैप सा आ गया, इसमें हम अपनी आसानी से जो है डोरी डाल सकते हैं। इसके बाद क्या करना है, ऊपर हमने जैसे हमने ये नीचे बॉर्डर बनाया है वैसे हमने ये ऊपर भी बॉर्डर बनाया है। अब इसके ऊपर और फिर से हमने जितना हमने ये बनाया है उतना ही आप ऊपर फिर से बॉर्डर बनाएंगे जहाँ हमने और इसके बीच में हमने डोरी डालनी है। तो फिर से हमने वैसे ही बॉर्डर स्टार्ट करना है। ये दो फंदे पहले हमारे जो हैं उल्टे आए हुए हैं इस तरफ, अगर फिर से नीचे ये वैसे ही हमने बॉर्डर कम्प्लीट करना है। दो उल्टे दो सीधे, दो उल्टे दो सीधे, ऐसे ही हमने ये जो बॉर्डर हमने कंप्लीट कर लेना है। फिर से हमने ये सेवन लाइन जैसे हमने सीधे की तरफ सेवन सीधे की तरफ हमने उल्टी सेवन लाइन बनाई है पूरी 14, तो हमने भी ऊपर इतना बड़ा बॉर्डर ये बना के तैयार कर दिया। ये हमारा अब ऊपर जो हमारा बॉर्डर बन के कंप्लीट हो गया है। ये हमारे अब ये होल से बन गए हैं, इसमें हम डोरी डाल के इसको ऐसे बांधेंगे। अब इसको हमने इसके बाद क्या करना है, तो ये हमारी सीधी तरफ है उसको हम ऐसे उल्टा करेंगे और फिर उल्टा करने के बाद इसको हम इधर से लेकर यहाँ तक सुई से सिल देंगे। ये जो हमने लंबा धागा छोड़ा हुआ है इसको हम ऐसे सुई से सिल के तैयार करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। अच्छे से बराबर से सिलना आपने, जो हमारी उल्टी लाइन है ये उल्टी लाइन के साथ मिलानी है और सीधी सीधी के साथ है। ये पूरा हमने यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट करना है सिल के। ये मैं आपको सिल के बताती हूँ। ये जो हमने अब सिल के तैयार कर दिया है यहाँ से यहाँ तक, और इसमें मैंने अब ये डोरी भी डाल के तैयार कर दिया है, जिसमें मैंने ये डोरी डाल के आगे मैंने दो पोम पोम भी लगा दिए हैं। अब इसको हम ऐसे डोरी को ऐसे कस के खींचेंगे और फिर इसको हम ऐसे बांध लेंगे। ऐसे बांध के हमारा जो है ये कैप जो है बन के तैयार हो गया। ये हमारी जो अब कैप बन के तैयार हो गई। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना। धन्यवाद।